सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। तो आज मैं आपके समक्ष है चाणक्य नीति के तीसरे अध्याय के 18वें श्लोक पर व्याख्यान देने जा रहा हूं। इसमें माता पिता का पुत्र के संतानों के प्रति क्या दायित्व है वह बताने की कोशिश है। और इसमें एक बहुत बड़े चीज का हल हो रहा है, वह भी बताएंगे। देखिए, इसमें कहा जा रहा है, लालयेत पंचवर्षाणि 10 वर्षाणि ताड़येत प्राप्ते तु षोडशे वर्षे पुत्रं मित्रवत आचरेत। अर्थात 5 वर्ष तक लालन करना चाहिए और 10 वर्ष तक ताड़न करना चाहिए। यहां पर ताड़न शब्द को जरा याद रखिएगा, क्योंकि यह तुलसीदास ने भी इसका प्रयोग किया है। ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। वहां भी ताड़न शब्द का प्रयोग है और यहां भी ताड़न शब्द का प्रयोग है। और वहां पर मिस इंटरप्रिटेशन यह किया जाता है कि उसको पीटने के लिए कहा गया है, लेकिन ताड़ना का वास्तविक अर्थ क्या है, क्योंकि यह संस्कृत शब्द है, इसका वास्तविक अर्थ क्या है यहां पर देखिए। 10 वर्षाणि ताड़ेत प्राप्ते तू खोड़शे वर्षे पुत्र मित्रवत आचरेत। और 16 वर्ष का जब वह हो जाता है तब उसे मित्रवत आचरण किया जाता है। 5 वर्षों तक उसे खूब लाड़ दुलार करना चाहिए। बच्चे को, माँ बाप को 5 वर्ष तक चाणक्य कहते हैं, खूब लाड़ दुलार कीजिए। उसके बाद 10 वर्ष तक ताड़न कीजिए। तो यहां पर क्या इसका अर्थ यह होगा कि 10 वर्ष तक उसको जम के पीटिए। अगर ताड़ना का अर्थ पीटना जो लोग समझते हैं, ऐसे लोग हैं, तो वे सोचें कि क्या 10 वर्ष तक उसके बाद बालकों को पीटा जाता है। ऐसा यहां नहीं कहा जा रहा। ताड़न का अर्थ हो जाता है कि उसे अनुशासन में रखिए और इस तरह से अनुशासन में रखिए कि उसका विकास हो सके, यानी उसको अनुशासित कीजिए, शिक्षित कीजिए। वहां पर उसे शिक्षित करना है, पढ़ाना है, लिखाना है, वह काफी महत्वपूर्ण आयु होती है। तो ये जो 10 वर्ष की जो आयु होती है, ताड़न की आयु होती है, काफी महत्वपूर्ण आयु होती है। इसी में उसे हम हुनर सिखाते हैं, शिक्षा देते हैं, समाज के विषय में, परिवार के विषय में, देश के विषय में, विश्व के विषय में, हर तत्व के विषय में हम उसे शिक्षा देते हैं। और इसके लिए कठोर अनुशासन की जरूरत पड़ती है। तो उस ताड़ना का अर्थ यह होता है, शिक्षा देना अनुशासन सहित, अनुशासन सहित शिक्षा देना उसके विकास के लिए। तो ताड़ना का अर्थ पीटना नहीं होता है, देखभाल करना, लेकिन अनुशासन पूर्वक देखभाल करना, लार दुलार पुचकार नहीं। वह भी होगा, ऐसा नहीं है कि उसको बिल्कुल खत्म हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि यह कोई बॉर्डर लाइन नहीं है कि 5 वर्ष हुआ और काम खत्म, उसके बाद जो है उसके लाड़ दुलार ही नहीं होगा। लाड़ दुलार तो चलता रहता है, माँ बाप में तो करते ही रहेंगे, लेकिन वहां से अनुशासन उस पर ज्यादा हावी हो जाएगा, क्योंकि वह शिक्षा के दौर में प्रवेश कर जाएगा। लेकिन जब 16 वर्ष का हो जाता है तब वह युवा होने की स्थिति में हो जाता है, किशोरावस्था को वह पार कर जाता है, या किशोरावस्था ही कह लीजिए कि हो जाता है। तो 16 वर्ष में
जब कहा जाता है ना कि जब पिता के चप्पल जूते बेटे को होने लगे तो समझ जाना चाहिए कि यह मित्र हो चुका है, अब मेरा मेरे बराबर हो चुका है। अब तो जवान हो गया है, तो अब जो है आप उसे समझाएंगे, बुझाएंगे, दिशा निर्देश देंगे और उसके साथ जो है मित्रवत आचरण करना है, मित्रवत आचरण। हालांकि माता पिता हैं तो माता पिता है तो माता पिता ही रहेंगे, परंतु फिर भी क्योंकि उसमें अब बायोलॉजिकल बदलाव हो चुका है, अब वह युवा हो चुका है, तो उसके साथ अब बिल्कुल शुद्ध बच्चों जैसा व्यवहार नहीं कर सकते, उसे भी समाज की समझ हो चुकी है, तो आप उसे अब मर्यादित व्यवहार करेंगे, उसके सम्मान को ध्यान में रखते हुए व्यवहार करेंगे और उसे सलाह भी देंगे, तो मित्रवत सलाह देंगे, उसका दृष्टिकोण उस विषय का सब कुछ समझाते हुए ही उसे सलाह देंगे और उसके हानि लाभ सब कुछ समझाते हुए देंगे। अब वह बहुत ज्यादा आपके अनुशासन में नहीं रहेगा, अब वह नैतिक अनुशासन में रहेगा। अनुशासन में तो रहेगा लेकिन नैतिक अनुशासन में, और वह जो 10 वर्ष तक था वह नैतिक अनुशासन नहीं था बल्कि शासनात्मक अनुशासन था। उस अनुशासन को भंग करने पर उसे दंड भी दिया जा सकता था, लेकिन 16 वर्ष के बाद जो है वह उसको शारीरिक रूप से दंड नहीं दिया जा सकता है, उसे नैतिक रूप से अनुशासन में रखा जाता है और उसमें विशेष रूप से मित्रवत आचरण करना चाहिए। यही जो है बच्चे को पालने पोसने बड़ा करने के लिए चाणक्य का निर्देश है। मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि वे क्या कहना चाहते हैं, और आप देखेंगे जितना व्यावहारिक है आज की दुनिया में, मान लीजिए कि 16 वर्ष की जगह मान लीजिए 18 वर्ष मान लीजिए, क्योंकि सरकार ने भी 18 वर्ष तक किशोरावस्था माना है, उसके बाद युवावस्था हो जाती, फिर तो वो जवान ही हो गया, खुद समझदार हो गया, क्या करना है क्या नहीं करना चाहिए उसका निर्णय वह स्वयं ही लेता है, स्वयं उसके पास वह सामर्थ्य आ जाती है। तो आज चूंकि बहुत सारी दिशाओं में, बहुत सारे क्षेत्र में बहुत सारे शोध हो चुके हैं और जमाना काफी शिक्षित और बहुत ज्यादा विचारों का संग्रह हो चुका है, तो जाहिर सी बात है कि 16 वर्ष पर्याप्त नहीं है परिपक्व होने के। पुराने समय में जो है उतना पर्याप्त था, लेकिन आज तो मान लीजिए कि 25 वर्षों तक लोग जो पढ़ते उड़ते हैं तब जाके कोई समझदारी पूर्ण रूप से माना जा सकता है कि 25 वर्ष का व्यक्ति जो लगातार अध्ययनशील है वह समझदार हो चुका है, क्योंकि आपको सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह की शिक्षा देनी पड़ती है। बहुत सारे ठग भी घूम रहे हैं, प्रोपेगेंडिस्ट भी घूम रहे हैं, धोखा देने वाले सब भी घूम रहे हैं और भिन्न भिन्न मत वाले भी घूम रहे हैं, यह बहुत महत्वपूर्ण है। भिन्न भिन्न धर्मावलंबी मतावलंबी घूम रहे हैं, अगर एक चीज में आपने बच्चों को शिक्षित किया है तो दूसरी चीज में आप शिक्षित नहीं कर पाए, वो उसके कारण फंस सकते हैं और सारा का सारा चौपट हो सकता है। तो इसीलिए थोड़ी उम्र अब ज्यादा चाहिए होती है और बहुत अध्ययनशील होगा तो आपको, क्योंकि आप आपके इर्द गिर्द जो है भिन्न भिन्न मतावलंबी सब रह रहे हैं, कोई कम्युनिस्ट बनकर आ रहा है, कोई ईसाई बन के रह रहा है, कोई मुस्लिम बन के रह रहा है, कोई बौद्ध बन के रह रहा है, कोई कुछ बन के रह रहा है, तो जाहिर सी बात है कि इनका भी तो आक्रमण होगा, ये भी तो कुछ ना कुछ फंसाएंगे चाल चलेंगे। तो आपको बच्चे को पूर्ण रूप से परिपक्व करने के लिए हर तरह की शिक्षा अनिवार्य होती है और अपने शास्त्रों की शिक्षा भी अनिवार्य होती है, और जो दुनियावी शिक्षा है जिससे आजीविका चलेगी वह भी अनिवार्य है। तो दुनियावी शिक्षा आजीविका वाली शिक्षा तो स्कूल कॉलेज में मिल जाती है, लेकिन अपने शास्त्रों की शिक्षा, संस्कृति की शिक्षा
और हम लोग का इतिहास भी विकृत कर दिया गया है। उस इतिहास को सही अर्थ में समझना, उसमें इतिहासकार की मानसिकता को समझना, क्योंकि हम लोग की सरकारें भी जो हैं चूंकि वोट के आधार पर चलती हैं तो बहुत सारी चीज़ों को विकृत कर देते हैं, तो पूर्ण रूप से जो है आपको सही बात का पता नहीं चल पाएगा छोटी उम्र में कोर्स पढ़ करके। फिर बाद में थोड़ा सा आपको विशेष अध्ययन करना पड़ता है, तब जाकर के समझ में आता है कि कहाँ कहाँ घालमेल किया गया है, कहाँ कहाँ जो है मिटाया गया है इतिहास को, कहाँ कहाँ बनाया गया है, तोड़ मोड़ किया गया है, वह समझ में आती है बात, तब जाकर के धीरे धीरे परिपक्वता आती है। इतनी आसान आज के समय में नहीं है, क्योंकि ये जो है वैचारिक युग है, यहाँ चारों तरफ से विचारों का बम्बार्डमेंट हो रहा है, चारों तरफ से विचारों की जो है एक तरह से समझ लीजिए कि रेला चल रहा है, तो वैसे में आप कैसे छांटेंगे कौन सही है कौन गलत है। तो इसके लिए आपको भिन्न भिन्न प्रकार के शास्त्रों का अध्ययन करना पड़ेगा और उसके बाद आपको सही और गलत का निर्णय लेना पड़ेगा, आपके हित और अहित में क्या है वह समझना पड़ेगा। हरिओम।